नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी। आपका स्वागत है शिवा मम्मी किचन में। उबले हुए आलू लेंगे 250 ग्राम के करीब। सारे आलूओं को छील लेंगे। देखिए, हमने सारे आलूओं को छील ली है। अब कढ़ाई लेंगे हाई फ्लेम पर, गरम हो जाए उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डालेंगे। सारे आलूओं को फोर्क की मदद से इसमें होल कर लेंगे। इसे सारे इसमें इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम सारे आलूओं को एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी बचे हुए तेल में 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 तेज पत्ते, 1 लाल मिर्च, 1 हल्का भून लेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 छोटे चम्मच। इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, कुछ काली मिर्च हमने कूट कर लिया है। इसको हल्का पानी देकर इसको मसालों को भूनेंगे। देखिए, ये भून गई है। अब इसमें 1 छोटा टमाटर डालेंगे, बारीक कटा हुआ। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर इसको थोड़ी देर भूनेंगे, 2 से 3 मिनट, जब तक टमाटर न गल जाए। मिक्सी जार में जो हमने अदरक लहसुन जो पीसे थे उसी में हल्का पानी देकर इसमें डाल लिए हैं। देखिए, मसाले भून गई हैं। अभी इसमें सारे आलूओं को डालेंगे।
इस सब्जी को आप दाल चावल पे भी ले सकते हैं या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। अब इसको ढककर लो फ्लेम पर 3 मिनट तक पकने देंगे। देखिए ये तैयार हो गई है। दम आलू पक गई है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। देखिए मेरा रेसिपी अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, प्लीज़।